अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सो के उठी हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ के सो गए थे, रात में भी बच्चे लेट सोए थे। कल हॉस्पिटल से आए उसके बाद काफ़ी लेट हो गई थी। तो बस अनाजा को डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए थे, वो टेस्ट करवाए हमने, और मुझे खुद को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड था वो भी मैंने करवा लिया, एक्सरे भी करवा लिया। अब मंडे को रिपोर्ट मिलेगी, तो देखें अल्लाह खैर करे क्या आता है मंडे को। आज सैटरडे है और मेरे ख्याल से 12:30 का टाइम हो रहा है, और बस फिर देखते हैं सारा दिन कैसे गुजरता है। अब नाश्ते का टाइम तो है नहीं, मैंने और मेरे साहब ने चाय पी ली है, और बस अब नाश्ता तो इतना खास नहीं किया किसी ने, बच्चे सो रहे हैं। तो बस अब दोपहर का खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद देखें क्या करते हैं। आज लॉन्ड्री डे भी है, सैटरडे भी है, आज की अब काम की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। ऐसे मशीन लग जाएगी, किचन का भी काम करना है, सालन बनाना है मैंने, बच्चे उठने से पहले मेरे सारे काम ख़त्म करने हैं। और ये करेले बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि करेले मैंने लाई तो 1 किलो थी लेकिन वो कुछ ख़राब निकल गए। जो भी हैं बस अब ठीक है, खाने के लिए बना लेते हैं, रात में देखेंगे क्या बनाएंगे। और मेरे साथ मेरी चिड़ियाएँ भी उठ चुकी हैं, तो बस वो चेक रही है माशाल्लाह से। चले अब इस काम स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जब तक। करेले, पहले मैंने करेलों को थोड़ी देर पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था, नमक लगा के हल्दी लगा के पहले रख दिया था आधे घंटे के लिए। बस फिर इसको मैंने
कुछ देर धीमी आंच पे पकाया। जब करेलों का पानी खुश्क होने लग गया, फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए। मेरे करेले आज कम थे तो क्योंकि कुछ ख़राब निकल गए थे, फिर इसमें मैंने प्याज ज़्यादा डाले, 6 से 7 प्याज थी मीडियम साइज़ के। और फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, मुझे फ्राई नहीं करने थे, नरम नरम सौते से जो अनियन होते हैं उस तरह के मुझे करने थे। तो बस फिर मैंने इनको धीमी आंच पे रख दिया था कि ये सोते हो जाएं, और देखें इस तरह से सोते होने लग गए। अब ये कि और अच्छे सॉफ्ट होंगे तो हमें इसे फ्राई करना भी नहीं है, सॉफ़्ट होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। और करेले बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होके गल चुके हैं। मैंने तो खा के देखा था, टेस्ट करके देखा था, करवाट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी इनकी। तो बस फिर मैंने इनको थोड़ा सा और भुना, क्योंकि थोड़ा सा और फ्राई करने से मुझे ये था कि और सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी बिल्कुल गल जाए ना। फिर दोबारा मैंने उसको फुल फ्लेम के ऊपर रख दिया। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आम है, माशाल्लाह माशाल्लाह आम देखें कितने बड़े बड़े। अभी तो देसी आम आ रहे हैं, तो सीज़न के आम हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। बच्चों को साथ में शेक पीना था, मैंने जल्दी से शेक बना दिया बच्चों के लिए। उन्हें ये था कि चलो हम शेक पी के, उनको ट्यूशन की क्लास लेनी थी तो मैंने कहा चलें आप लोग जूस पी के बैठें, क्योंकि फिर वो क्लास स्टार्ट होने के बाद बच्चे पढ़ नहीं सकते, हम पी नहीं सकते क्योंकि वो टीचर वेट पे होती हैं। तो बिल्कुल खाना पीना सब कुछ करवा के उसके बाद में बिठाती हूँ बच्चों को। और ये देखें माशाल्लाह ये सोते हो चुके हैं बिल्कुल, ने अच्छे बने थे खाने में, बहुत मज़े के बने हैं ना। मुझे वैसे भी प्याज करेले बहुत पसंद है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। कीमा करेले भी अपनी जगह बहुत अच्छे बनते हैं, कीमा चिकन भी बहुत अच्छा बनता है, और कीमा प्याज भी और करेले प्याज भी बहुत अच्छा लगता है, और ये करेले चिकन भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया था सबको। फिर इसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा कम किया था क्योंकि ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने सोते के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला था। ऑयल वैसे भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ सबको। फिर इसके बाद देखें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर इसको अच्छे से मैंने भूना फ्राई किया। उसके बाद मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे वो डाल दिए सब इसके अंदर, वो पहले से बारीक बारीक कटिंग करके रख लिए थे मैंने। और ये देखें इस तरीके से ये डाले। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको भून के और इसको नरम कर लेंगे टमाटर्स को। फिर इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले जो भी होते हैं घर में, आप अपने हिसाब से जो डालना चाहें वो आप सारे इसमें मसाले ऐड कर दें। और फिर देखें इस तरह से भून के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसके ऊपर नमक थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि करेले के अंदर भी नमक होता है। करेले हम वैसे भी नमक से वॉश करते हैं, कुछ देर रखते हैं तो उसमें वैसे भी नमकियात आ जाती है। और ये देखें अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसको बिल्कुल टमाटर को मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैश करने के बाद इसके अंदर तो कुछ हरी मिर्चें काट के बारीक बारीक लंबी लंबी हरी मिर्चों को कट लगा के वो डालूंगी इसके अंदर मैं, क्योंकि मुझे टमाटर सॉफ्ट लग रहा है कि हाँ मसाला भूनने लग गया है। तो बस अब मैं हरी मिर्च कटिंग करती हूँ, और हरी मिर्च कटिंग करने के बाद ये देखेंगे चली गई इसके अंदर। अब वो अच्छी तरीके से थोड़ा सा खुशबू हो जाएगी हरी मिर्च की इसके अंदर। तो बस फिर इसके अंदर जो प्याज और मैंने करेले रखे थे वो डाल दूँगी। ये देखेंगे इस तरह से चला गया। अब इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से दोबारा से हमें भुनाई करनी है, इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और इसमें जो भी ऑयल था वो भी सारा चला गया क्योंकि अनियन सौते किए थे तो उसका ऑयल थोड़ा सा निकला था प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है रेसिपी। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से भून लेंगे क्योंकि ऑयल ऊपर आ जाए। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मैंने गरम मसाला साथ में नहीं डाला था, गरम मसाले भी घर के पीसे हुए होते हैं सारे। तो मैं वैसे भी सब चीज़ें घर में ही बना के रखती हूँ, बाज़ार का तो बहुत कम यूज़ होता है ये, क्योंकि घर की चीज़ों की खुशबू अलग होती है। ये गर्म मसाला चला गया, हरा धनिया गया है इसके अंदर। और बस इसको अब लाइट से फ्लेम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे कुछ देर के लिए, और फिर बस इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद ये 5 मिनट दम पे रहेगा, फिर इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और ये देखिए मैंने आज बनाई रोटी, आज साथ में जल्दी खाना लगाना था क्योंकि लेट हो चुके थे, जोहर की नमाज के बाद का टाइम हो चुका था, नाश्ता किसी ने किया नहीं था, चाय ब्रेड चाय पापे खाए हुए थे सब ने ना, मैंने मशीन लगाई हुई थी इस वजह से मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से कपड़े धो के खाना बनाऊं। तो शुक्र है काम सारे हो गए, खाना भी बन गया। रोटी बना के गरम गरम में घी लगा के अस्टी घी के साथ देती जा रही थी,
सबको बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया। और ये मेरे और मेरे साहब की शाम की चाय, और बस अब चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, बातें करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं चाय पीने के बाद। शाम का टाइम हो चुका है, शाम में आपको पता है चाय लाजमी पीते हैं, चाय कितनी भी गर्मी हो चाय के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा चले साथ में थोड़े से बिस्किट रख लेते हैं, जिसे खाना होगा खा लेंगे, बच्चे चाय पीते नहीं हैं। मैं हो गई फारिग सारे कामों से, और बस अब थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि थक गई, पूरा दिन हो गया, बच्चे भी साथ थे, बच्चों को भी साथ साथ लेके चलना था, अभी सारे काम करने थे। अब खाना भी खा लिया है और बस अब शाम की चाय पी ली है। अब मैं चेंज करूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।